हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट फॉर टुडे सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट बीवा। बीवा का मतलब है ब्रिज इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक व्हीकल एप्लीकेशन, यानी कि एक टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने ब्रिज पर कोड के अकॉर्डिंग लाइव लोड लगा सकते हैं। लाइव लोड आपको पता है, जो हमारे व्हीकल्स हैं उनके लाइव लोड, उन्हीं को हम लाइव लोड बोलते हैं, उन्हीं के लोड को। तो उन व्हीकल्स का लोड हम अकॉर्डिंग टू IS कोड या जो भी कोड है आप फॉलो करते हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग बीवा टूल की हेल्प से हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टैट प्रो ऑन करते हैं। ये रहा हमारा स्टैट प्रो। ठीक है, तो एक न्यू फाइल करते हैं हम। एक सेकेंड, तो हम न्यू प्रोजेक्ट करते हैं, स्पेस ब्रिज एडमिन फिनिश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रिज टाइप का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ग्रिड को कर लेता हूँ मैं एक्स और वाई और जेड, सॉरी वाई जेड, इस तरह से। और मैं लेफ्ट व्यू ले लेता हूँ तो सामने जाती है। मान लीजिए आप, ये आपका है डेक, ठीक है, और आपका ये जो है कॉलम खड़े कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा बीम बन गया, खड़ी कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो हमने डायमेंशन लिया है वो एक स्पैन एरा ब्रिज का 4 मीटर का, एक एरा 8 मीटर का ब्रिज है। ये मान लीजिए फुटपाथ है, ठीक है, और ये कॉलम है। ठीक है, अगर मैं इसका 3D व्यू देखूँ तो एक और ग्रिड हटा देता हूँ तो ऐसा दिखाई देगा कुछ। अब आप कहेंगे ब्रिज कहाँ से है, तो देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर 10 स्टेप। ठीक है, लिंक कर देते हैं और ओपन बेस। ओपन बेस से क्या होगा, आपका यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, ओके, ये देखो। ठीक है, इस तरह से हम बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोर्ट लगा देते हैं, फिक्स सपोर्ट लगा देते हैं नीचे। हम इस वीडियो में सीख रहे हैं कि बीवा कैसे यूज करते हैं, तो एक सिंपल सा हमने मॉडल बना रहे हैं। ये सपोर्ट लग गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर बना देते हैं। सबसे पहले इसको दे देते हैं प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ मैं, रेक्टेंगल, और ऐड करके इसको असाइन टू व्यू कर देता हूँ। ठीक है, और अगर हम 3D व्यू में जाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर बनेगा आपका डेक। तो डेक बनता है प्लेट से, ये प्लेट आइकन है, इस पर क्लिक किया मैंने, और एक डेक ये रहा यहाँ पे बनेगा फुटपाथ पे, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं। ठीक है, इसको 3D में देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कहाँ ड्रॉ की है प्लेट। ठीक है, मैंने इस तरह से एक टैग बना दिया प्लेट को। इसी को रिपीट कर देते हैं हमारे कितने स्टेप में, 1 2 3, एक स्टेप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी को प्लेट को सेलेक्ट करके हम रिपीट कर देते हैं। प्लेट कर्सर आपका ये है,
इससे प्लेटलेट की ट्रांसलेट टूल एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर में है, 9 स्टेप, लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बन चुके हैं। अब आप 3D में देखेंगे तो ये तो समझ लिया ये एक आपका ब्रिज है। अब प्लेट को थिकनेस दे देते हैं 200 mm एज्यूम, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आपका एक ब्रिज डेक बन चुका है, आप देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, मैंने कहा था इस वीडियो में हम सीखेंगे बीवा। बीवा मीन्स ब्रिज इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक व्हीकल एप्लीकेशन, यानी उस टूल की हेल्प से केवल हम इसे लोड लगा रहे हैं और उसको एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, सेम जैसे स्टेट में आप करते हो RCC वैसे करना है। उस टूल के हिसाब से केवल केवल हम लाइव लोड लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें डेक को पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए एक होगा आपका ब्रिज डेक, ये रहा आपका ब्रिज डेक, ठीक है। और इस ब्रिज डेक को पे हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से पूरे डेक को सेलेक्ट करना है। सॉरी, एक काम और करना है, दोबारा से आप जाइए मॉडलिंग पे, ठीक है, और इसको पहले मैश कीजिए। तो प्लेट कर्सर सेलेक्ट किया हमने क्योंकि FEM मॉडलिंग होगी इसमें, तो हमने प्लेट सेलेक्ट की, राइट क्लिक, और ये रहा जनरेट प्लेट मैश, देख रहा है आपको जनरेट प्लेट मैश, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, राइट क्लिक किए। और यहाँ पे डिवीज़न 10:10 है तो 10:10 काफ़ी, अभी डिवीज़न कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा डिवीज़न करूँगा तो ये एनालाइज में टाइम लेगा, ठीक है। ओके किया, पॉलीग्रल यानी कि ट्राइंगुलर शेप में ऐसे डिवाइड कर देगा ये, और अगर क्वाड्रिलेटर लेते हैं तो स्क्वायर बॉक्स में, तो स्क्वायर में कर लेते हैं, ये हर एक प्लेट को डिवाइड कर रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, 10:10 पार्ट्स में, ठीक है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल सकें। इसको बोलते हैं FEM मॉडलिंग। आप देख रहे हैं ऊपर जनरेटिंग मैशिंग पे नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा आ रहा है, थोड़ा सा ये हैवी वर्क है, इसके लिए PC की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए अगर आपको FEM एनालिसिस करना है तो। ये देखिए आपका जनरेट प्लेस मैथ हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्रिज डेक पे जाना है, डेक को एक बार सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे डेक होगा एक आपका, देखिए यहाँ पे ये रहा डेक, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसमें करना है क्रिएट डेक, तो फर्स्ट डेक बना रहे हैं, ठीक है, ओके। फिर दोबारा डेक में जाना है, उसके बाद एक और ऑप्शन आ गया, इसमें जाना है डिफाइन रोडवे, ये आपको डेक को डिफाइन करना है कितने रोडवे बना रहे हो, 2-way 3-way कितने लाइन का रोड बना रहे हो। तो इस पर क्लिक किया, न्यू पे जाना है और यहाँ कस्टम पे जाना है, ठीक है। आप इसमें देखिए जो डार्क है आपका ग्रे पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका डेक, और यहाँ पे एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ये पार्ट येलो कलर का, ये है आपका लेन। तो हमें लेन इसकी हेल्प सुनना है, इसका साइज़ यानी कि इसको हम कन्वर्ट करना है इस साइज़ में, एक लेन बनाने के लिए, और दो लेन बनाने के लिए दो बार ऐसे ऐसे, ठीक है, एक आने के लिए लेन और एक जाने के लिए लेन। तो इस तरह से हमें डिफाइन करना है। तो देखिए हमारा कितने मीटर का है, हमने 10 स्टेप लिए थे, 5 पर 50 मीटर का है, तो लेंथ डाल देते हैं यहाँ पे देखिए लेंथ डाल ली 50 मीटर, देखिए 50 मीटर का वो लेंथ हो गई। अब क्योंकि हमारा ये डेक की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, तो 5-5 मीटर का हम डेक की विड्थ बना रहे हैं, तो यहाँ 5 मीटर डाल देते हैं विड्थ में, यहाँ पे 5 मीटर हाफ हो गया। अब देखिए आप देख रहे हैं
इस डेग को हमें यहाँ लाना है ना, यानी कि ये जो बाहर निकला हुआ है ये डिस्टेंस, इसको अंदर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल 5 मीटर है, हाफ मीटर बाहर है, तो 2.5 मीटर हमें वैल्यू पुट करनी होगी किसमें, कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, जेड, ठीक है। तो जेड में मैं डालता हूँ 2.5, देखिए आ गया, ठीक है, एक लाइन बन गया। इसी को इधर कॉपी कर देते हैं, कॉपी राइट, ये कॉपी हो गया इस वाले बटन से, बस ओके कर देना है आपको, क्लोज, ठीक है, इस तरह से टू वे आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ लोडिंग में जाना है और इन्फ्लुएंस सरफेस जनरेट करना है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा क्या होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लोड को मूव कराते हैं और चेक करते हैं कि उस पॉइंट लोड के मूवमेंट से जो हमारे फोर्सेस जनरेट हो रहे हो उनका क्या वेरिएशन है, ठीक है। तो वही ये चीज़ करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये, तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे एक एरर आ गया, इन्फ्लुएंस लाइन इज मिसिंग। ये एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने इस यहाँ पर पहुँचने से पहले, इस स्टेप पे पहुँचने से पहले एनालाइज नहीं किया था, ठीक है, मैंने जान पूछ के किया है जिससे एरर आ सके, ठीक है। तो मैं मॉडलिंग पे गया, अब एनालाइज कब करेगा, जब एक लोड लगा होगा, लोड तो कुछ लगा नहीं है, तो एक डेड लोड लगा देते हैं, सेल्फ वेट, असाइन टू व्यू, ठीक है, और अब एनालाइज ऑल, और इसको एनालाइज कर देते हैं। अब एनालाइज करने के बाद हम फिर ब्रिज डेक वाले ऑप्शंस में जाएंगे और वहां जाके इन्फ्लुएंस लाइन जनरेट करेंगे। डन हो चुका है, अब चलते हैं हम ब्रिज, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं लोडिंग इन्फ्लुएंस। देखिए पहले वो अटक, एक एरर आ चुका है, एरर चेक करते हैं। एरर आना बहुत अच्छी बात होती है, इससे हमें सीखने को मिलती हैं चीज़ें। अभी कोई एरर नहीं दिखा रहा है, दोबारा हम एनालाइज करते हैं इन्फ्लुएंस जनरेटर। इन्फ्लुएंस सरफेस रिजल्ट आर मिसिंग, एक चीज और हम चेक कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, स्टेट को दोबारा स्टेट को ऑन करते हैं,
ठीक है, मुझे यहाँ चेक करना था, कभी ये तो नहीं कि यहाँ पे स्टेट बीमा पे टिक ना हो। ठीक है, टिक लगा हुआ है, कोई नहीं, दोबारा हम जाते हैं। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई है। प्रॉब्लम हुई है हमारी सेविंग पाथ की, कि हमने जहाँ हमने सेव पाथ किया था वो पाथ सही नहीं था। तो एक बार हम फटाफट में जल्दी से दोबारा से एक न्यू मॉडल बना लेता हूँ, करप्ट हो चुका है। ठीक है, समझ गए हैं आप क्या हुआ? बीच बीच में आपको सेव करते रहना चाहिए, मैंने सेव नहीं किया था बीच बीच में, और उसका तो फटाफट में बिना बताए जल्दी जल्दी इस वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, उस स्टेप तक। आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट किया हमने एक्स में, 10 स्टेप लिंक ओपन बेस, प्रॉपर्टी दे देते हैं, जल्दी से इसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद एक प्लेट बनाते हैं, ऐसा करते हैं, एक डायरेक्ट एक प्लेट बना देते हैं। ठीक है, प्लेट बन चुकी है, अब इस प्लेट को ट्रांसलेट कर देते हैं। प्लेट ट्रांसलेट करने के बाद उसको मैशिंग करते हैं, मैशिंग थोड़ा कम करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लेता है फिर वह एनालिसिस में। ठीक है, 5-5 डिवीजन कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्लेट थिकनेस, एक एरर और आता है कि हमने मैशिंग को प्लेट को थिकनेस दे दी उसके बाद मैशिंग किया, वो भी एक एरर है, मैशिंग करने के बाद प्लेट की थिकनेस देनी है। एक लोड लगा देते हैं डेड, प्रिंट ऑल एनालिसिस। डन, गो टू ब्रिज डेक, सिलेक्ट करना है ब्रिज डेक, क्रिएट डेक, डन, लोडिंग डेक, डिफाइन रोडवे, न्यू कस्टम, 50 मीटर, 2.5 मीटर वेट, 2.5। ठीक है, एंगल 0 और 50 मीटर है आपकी लेंथ। ठीक है, कॉपी इसको कर लेना है, डन। इसके बाद था हमारा इन्फ्लुएंस जनरेटर, यहाँ पर था स्टेप। ठीक है, अभी भी मैं सेव करना भूल गया हूँ, चलिए देखते हैं। अभी लगता है मिल जाएंगे रिजल्ट, देखिए एनालिसिस तो हो रहा है। चलो फास्ट, अगर मैंने 10 डिवीज़न लिए होते तो सोचो कितना टाइम लगता है इसमें। जितने ज़्यादा डिवीज़न उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट, उतना ही टाइम टेकन इन एनालिसिस। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैलकुलेटिंग एलिमेंट फोर्सेस। अब हमारे पास कितनी प्लेट थी,
एक प्लेट बनाई थी उसको 10 स्टेप में किया था, 10 प्लेट थी, फिर एक प्लेट को 5 डिवीजन में डिवाइड हुआ था, तो 10 एक प्लेट को 5 में हो गया, 10 प्लेट 50 प्लेट्स हो गई, एक एक प्लेट के फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, तो टाइम तो ले गई। एक मेरी वेबसाइट भी है, आप उस पर भी जा सकते हैं, www.engineers.civil.com। एनालिसिस हो चुका है, तो अब हम इन्फ्लुएंस स्ट्रेसेस डायग्राम देखते हैं। तो ये कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस सरफेस जनरेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना है इन्फ्लुएंस डायग्राम, और यहाँ पे हम करते हैं प्लेट स्ट्रेस चेक कर लेते हैं मैक्सिमम एब्सोल्यूट, और यहाँ पे है आपका प्लेट नंबर कोई भी एक कीजिए ओके। देखिए ये स्ट्रेसेस दिखा रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब हम दूसरी प्लेट का देखते हैं, तो ये कितनी सारी प्लेट है, किसी और प्लेट पर क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है कि यहाँ पर जब लोड मूव करके पोजीशन होगी तो स्ट्रेसेस क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, लोडिंग रन लोड जनरेटर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोड सेलेक्ट करना है, देखिए आपको यहाँ करना क्या है, एक तो जनरल में जाके कोड सेलेक्ट करना है फर्स्ट, सेकेंड आपको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम नोड कौन से नोड पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इस पे आपको नोड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड आपको बताना है सपोर्ट रिएक्शंस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से नोड पे सपोर्ट रिएक्शन है और उनका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये सब पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, कैंसिल करते हैं। सबसे पहले हम मॉडलिंग पे जाएंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं नोड, नोड के बाद डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जाते हैं हम गए नोड पे, नोड से गए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद हम गए यहाँ पे समरी, और यहाँ पे हमें चेक करना है वाई डायरेक्शन में कौन से नोड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो समरी वर्टिकल, देखिए मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, किस पे है, नोड नंबर 101 और नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं नोड नंबर 1, नोड नंबर 101 नेगेटिव इफेक्ट वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक हमें पता चलना था सपोर्ट रिएक्शन कहाँ कहाँ है और उन पे इफेक्ट क्या है, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, सारी सपोर्ट नोड्स सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक न्यू व्यू,
ओके, इससे क्या होगा, मैं सपोर्ट सपोर्ट नजर आ रही है। अब मैं शिफ्ट एस दबाऊंगा सपोर्ट हाइट हो जाएंगे, और शिफ्ट एन दबाऊंगा तो सपोर्ट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब सपोर्ट नंबर ये, अब ये सारे सपोर्ट नंबर आपको नोट कर लेने हैं वहाँ पे डालने के लिए। अब इतने सारे सपोर्ट नंबर हैं, है ना, तो क्या करें, मैं ऐसा करता हूँ इन सब की नंबरिंग चेंज कर दी जाए। या फिर लिख ही लेते हैं इनको, ठीक है, ये नहीं पता ना, मैं नंबरिंग देख लेते हैं। चलो नौ ज्योमेट्री में जाते हैं, यहाँ पे ये नोट्स हैं, तो हमारे मैक्सिमम स्ट्रक्चर में कितने नोट्स हैं, 372। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सारे नोट्स सेलेक्ट किए, ज्योमेट्री रीनंबर नोट्स, यस कर देता हूँ मैं 400। ठीक है, तो ये 33 है, 400 से स्टार्ट है 432 तक, 400 से स्टार्ट है। अब याद करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस है, क्योंकि हमने इसे लिखना ना पड़ेगा, बस इसलिए किया। ठीक है, ठीक है, अब हम दोबारा सपोर्ट ले आते हैं और फुल स्ट्रक्चर ले आते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, नोड नंबर हाइड कर देते हैं, दोबारा ब्रिज डेक पे जाएंगे, लोडिंग, दोबारा से इन्फ्लुएंस जनरेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने कुछ चेंज किया है ना इसमें, और इन्फ्लुएंस करने के लिए पहले एनालाइज करना पड़ेगा, ये ध्यान नहीं रहा था मेरे, कुछ भी चेंज करते हैं तो एनालाइज दोबारा करना पड़ता है। अभी मैंने क्या चेंज किया, नोट्स के नंबर क्यों चेंज किए, क्योंकि उनको याद करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सीक्वेंस ही चेंज कर दिया उनका। ठीक है, अब दोबारा से होगा इन्फ्लुएंस लाइन जनरेट। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसको, वीडियो एडिटिंग के टाइम पे इसको टाइमिंग इसकी कम कर दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट चुप, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ स्टार्ट। तो ये एनालाइज हो चुका है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एक बार और चेक कर लेते हैं, प्लेट स्ट्रेस मैक्सिमम एब्सोल्यूट, कोई भी एक प्लेट सेलेक्ट की, ओके ठीक है, आ रही है। इसके बाद हमें जाना था रन लोड जनरेटर, यहाँ पे हमें आईआरसी कोड के अकॉर्डिंग हम लोड लगाना चाहते हैं, तो आईआरसी कोड चैप्टर 3, ठीक है, डेक हमारा फर्स्ट है, लोडिंग आईआरसी की अंदर ये लोडिंग साथ ही है हमारी, क्लास ए ले लेते हैं। इसके बारे में गूगल पर सर्च कीजिए, क्लास ए जो होती है वो सबसे हैवी व्हीकल होता है, अराउंड 700 किलो न्यूटन टैंक, तो वो हमने ले लिया है। नोड डिस्प्लेसमेंट जो हमने नोट किया था, क्या था नोड नंबर 101, और डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका, वाई डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद जाना है आपको, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जनरल डैक लोडिंग नॉट डिस्प्लेसमेंट और सपोर्ट रिएक्शन, ये इतनी चीज़ें आपको फिल करनी है। सपोर्ट रिएक्शन में यहाँ पे सपोर्ट हमने कहाँ से कहाँ तक चेंज किया था, 400 से लेके 432, तो 400 401 402 403, ये बड़ा ही बोरिंग काम है, 403 402, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन आप देखिए, यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगी वो अपवर्ड होगी, है ना, और वाई डायरेक्शन में होगी, तो सपोर्ट रिएक्शन पॉजिटिव वाई, ठीक है। एफ वाई पॉजिटिव, ये भी हमें फिल करना होगा, एफ वाई पॉजिटिव, ठीक है।
FY positive. मैं क्या कर रहा हूँ, टैब दबा रहा हूँ, जब सेल पर आता है एफ को दोबारा प्रेस करता हूँ, फिर पॉजिटिव प्रेस कर देता हूँ। ठीक, क्लिक करके माउस से भी कर सकते हैं आप। एक बार पॉजिटिव कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे करते हैं हम एफ। अब मैं एरो से ऊपर ले जा रहा हूँ, इसे दो बार एफ प्रेस करता हूँ तो एफ आई हो जाता है। सारे एफ आई हो चुके हैं, उसके बाद आपको ओके कर देना है बस। ओके करने के बाद एक नोट पैड खुलेगा इसका, अगर वो खुलता है नोट पैड, आता है कोई इन्फॉर्मेशन लोड की, तो समझ लिया आपका सारे स्टेप ठीक हैं। ठीक है, या नोट पैड या जो लोड की इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद क्या करना है आपको, लोडिंग में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्रिएट लोड इन स्टैट प्रो। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ये देखिए आ गया लोड जनरेट कम्प्लीटेड। अब आप मॉडलिंग पे जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए जरा कितने सारे लोड आ गए अकॉर्डिंग टू IRC कोड। वीवा का यही मकसद था लोड लगाना। अब एक बार चेक करते हैं यहाँ पे लोड एंड डेफिनेशन में। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोड आ गए हैं, किसी लोड पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए व्हीकल का लोड ही है। जैसे कि मैं यहाँ बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे लोड को मूव कराता हूँ, देखिए लोड मूव हो रहा है। तो बीवा का काम केवल लोड लगाना था, जो उसने लगा दिया अकॉर्डिंग टू IRC कोड, क्लास ए का लोड लगा दिया है उसने। तो ये हमारा काम, ये लोड मूव कैसे कर रहा है, मैं यहाँ पे लोड के यहाँ पे ले आके स्क्रॉल को मूव करा। इसके बाद एनालिसिस डिजाइन सेम आपका जैसे बिल्डिंग होती है वैसे ही होगा। तो ये था आपका स्टैट बीवा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज थैंक यू, शेयर करना इस वीडियो को, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करना। थैंक यू।